अपनी समाज सेवा से जनता के दिल में राज करने वाले अमीर अली उर्फ राजा भाई के नाम से प्रसिद्ध की बहू ने गुरुवार को शहर के वार्ड नंबर 1 से नामांकन पर्चा दाखिल कर जीत की तरफ अपना कदम बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि उनके नामांकन यात्रा में वार्ड से दर्जनों लोग शामिल हुए और अपना खुला समर्थन दिया। जनता के समर्थन से उत्साहित अमीर अली ने स्पष्ट कर दिया कि अगर जनता उन्हें जिताती है तो वार्ड का कायाकल्प हो जाएगा। आप अभी पर्चा दाखिल करके आ रहे हैं किस पद के लिए? वार्ड पार्षद। कितने नंबर वार्ड से? एक से। इससे पहले आप तो नहीं लड़ी है कि पहली बार है? नहीं। ये पहली बार है। पहली बार। तो क्या सोच आया आपके दिमाग में कि पार्षद बने और इलेक्शन लड़े, किस लिए? एक नंबर वार्ड के लिए, विकास के लिए। जल जमा। अगर जनता चुनती है आपको जी, तो आपका पहला प्राथमिकता यानी किस काम को आप सबसे पहले करना चाहेंगे? जल जमाव के लिए। जल जमाव। क्या नाम हुआ आपका? नायदा खातू। कहेंगे अभी आप लोग नॉमिनेशन में आए थे, आप अपने वार्ड की कैसी पार्षद को चुनना चाहते हैं? उनको चुने हैं और आगे के लिए भी कामयाबी होगी तो जैसे हम लोग जनता सबका ही करेंगे। आप शुरू भी काम ये किए हैं, अंत भी इन्हीं से होगा, कामयाबी खुदा। क्या नाम हुआ आपका? जी, आप जो अभी प्रस्तावक है एक नंबर वार्ड पार्षद के उम्मीदवार के, आप प्रस्तावक थे जी, क्या उम्मीद लगता है किस मुद्दे पर आई है आपका कैंडिडेट? हमारा कैंडिडेट 100% माने ठीक उतरेगा, जीत हुई और ये एकदम क्या कहता है समाज के लिए ठीक उतरेगा। इसके पहले तो नींव अमीर अली दे चुके हैं और माने इनका जो राशिद अली पति हैं, जो राजा के लड़के हैं, वह क्या कहता है भी निकोरम को पूरा करेगा। वो काफी क्या कहता है। अपना अपना परिचय दे दीजिए, नाम बता दीजिए। मेरा नाम हुआ सुबोध पासवान। सुबोध, ये आपको सोच कहाँ से प्रेरित आया? ये पहली बार आप वार्ड पार्षद में लड़वा रहे हैं, लड़ रहे हैं, क्या है क्या मुद्दा लेकर के आए हैं आप? मैं हमेशा समाज सेवी से जुड़ा हुआ रहा और कपड़े की वगैरह की भी दुकान थी तो समाज को लेकर मैं चला। उसके बाद हालात अच्छी नहीं थी जिसके वजह से मैंने सोच अच्छा नहीं बनाया। उम्मीद तो कब से थी, ख्यालात कब से आ रहा था कि मैं जनता के बीच आकर के जनता के दुख सुख को बांटने के लायक बन सकूं। मगर इन साल अल्लाह ने और भगवान ने मुझे इस लायक बना दिया कि मैं जनता के बीच नवमरे में आ गया और कहा कि भैया आप लोगों के लिए मैं तन मन धन से तीनों चीज़ से जो है सो आप लोगों के बीच आया हूं। अगर आप लोग मुझे प्रत्याशी चुने तो मैं उम्मीदवार होकर के नॉमिनेशन करूं। तो लोगों ने मुझसे कहा कि आपसे बेहतर हम लोगों को ये उम्मीदवार तो कोई है ही नहीं। तो ठीक है, समस्या चचा यहां जो है सो गार्जियन रूप में आप हैं, पुल बनवा दीजिए, मरने वहरनी में जो है सो आप लोगों को जो है सो संस्कार के लिए दे दीजिए। तो मैंने घोषणा कर दिया कि 3,000 रुपया मरने वाले को संस्कार के लिए मुझे बुलाया जाएगा, लाश का दर्शन करेंगे तो दूंगा मैं। अब देना शुरू कर दिया नोमड़े से, उसके बाद चौपाल टोला से लेकर के NH के तरफ जाने वाला रास्ता में पुल ख़राब हो गया था, धस गया था, उसको मैंने बनवा दिया, निर्माण करवा दिया। उसके बाद श्रम कार्ड, आयुष्मान कार्ड, हेल्थ कार्ड, पहचान पत्र, जन्म पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, जातीय आवासीय आय, राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पेंशन कार्ड, जितना भी वर्क है सब मैं करवा रहा हूं। नवंबर से अभी तक जनता मेरे सामने खड़ी है, आप जनता से स्टेटमेंट ले सकते हैं। मैं दुख सुख को बांट रहा हूं लोगों का और हर चीज़ में सहयोग कर रहा हूं। पूजा है, रामनवमी पूजा। ये आप इलेक्शन लड़ने के लिए वार्ड पार्षद का मूड बनाया, क्यों बनाया? चूँकि बहुत कष्ट हो रही थी मेरे जनता को, मुझे भी कष्ट हो रही थी, रोड नाला जम जमाव की बहुत ही दिक्कत है, इतना एक एक कमर पानी लग जाता है हम लोगों के यहाँ बरसात में। नाला का कोई भी वार्ड पार्षद 60 बरस से अभी तक कोई नहीं कर सका और शिक्षा का भी जो है बहुत गया गुजरा हुआ है, स्कूल वगैरह में विद्यालय में शिक्षा भी नहीं हो पा रहा है। तो समझा नहीं, गार्जियन रूप में मैं आया कि अब सारे चीज़ पर जो है सो मैं करूँगा
और उसके बाद हर चीज़ के लिए यहाँ नगर निगम से हुआ तो हुआ, नहीं तो मैं पटना तक जा करके ला करके जनता के बीच अपने निजी कोर्ट से भी होगा तो मैं करवाऊंगा। अगर जनता आपको चुनती है इस चुन बार पार्षद, जनता देखिए ना, पूछिए नहीं, लोग जबरदस्ती नॉमिनेशन करवाई आज तो पहला प्राथमिकता क्या होगा आपका, कौन सा काम सबसे पहले करेंगे? पहले जमजमाव, उसके बाद नाला का काम करेंगे हम, उसके बाद शिक्षा का करेंगे, रोड का करेंगे, उसके बाद वृद्धा पेंशन, उसके बाद जो है सो आपको इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री योजना, राशन कार्ड, ये सब का करूंगा। अब बच्चों को कॉपी किताब कलम भी जो आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहेंगे अपने वार्ड की जनता को? जनता मुझे चुन के लाइए नॉमिनेशन कराने जबरदस्ती। जनता से भी पूछ सकते हैं सर, पूछिए जनता से आप।